एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्रायलोन डर्मा से आप मेकअप कैसे कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँ वेट वाइस, इससे अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। वैसे मैंने गाइस क्लीन कर रखा है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसको फिर से आपको दिखा लूँ कि आप कैसे क्लीन कर सकते हैं। पूरे फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेंगे, जिससे कि हमारे फेस में कोई डस्ट वगैरह ना हो और फेस हमारा अच्छा हो। इसके बाद मैं ले रही हूँ न्यूट्री ग्लो का ये टोनर, और पूरे फेस पे अपनी अप्लाई करूँगी। आप चाहे तो कॉटन में भी लेके कर सकते हैं, मगर मैंने ये स्प्रे वाला लिया है। और इसको थोड़ी देर सूखने देंगे, जब ड्राई हो जाएगा तो इसके बाद लगाएंगे हम मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के लिए लूंगी मैं पॉन्ड्स का, ये आपको शो हो रहा होगा। आप गाइस, मेरी ऑयली स्किन है तो मैं ऑयली स्किन के लिए जेल बेस ले रही हूँ। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप कोई लोशन भी ले सकते हैं। अब मैं सबसे पहले लूंगी कंसीलर अपनी आईज पे लगाने के, हल्की हल्की सी मेरी पिगमेंटेशन है, वैसे है नहीं इतनी बहुत ज्यादा, लेकिन लाइट सा मैं लगाऊंगी जिससे कि आई शेडो मेरा उभर के आए। मैं ले रही हूँ सिस ब्यूटी का ये कंसीलर। को मैं सेट करूंगी क्रायलोन की, ये गाइस पैक का ही ब्रश है, ये देखिए। यहाँ पर मैंने लिया है एडीएस का ये काजल, आप किसी और ब्रांड का भी ले सकते हैं। और इसको मैं अपने लाइनर की तरह अपनी आईज पे अप्लाई करूंगी। अंदर की तरफ ही ब्लेंड करूंगी। अब इस पैलेट से मैं लूंगी ये डार्क वाला सेट, जो ब्लैक कलर, इसको भी मैं अपनी इसको सेट करने के लिए अप्लाई करूंगी। नायका की पैलेट से ले लूंगी ये डार्क वाला शेड, और अपने ब्लैक वाला जो मेरा ये मैंने अप्लाई किया, इसी को लेके मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी जिससे कि कोई हार्श लाइन नजर नहीं आए, अच्छे से ब्लेंड करेंगे। मैं यहाँ पर ले रही हूँ मेबलिन का लिक्विड लाइनर। वेट वाइप्स की हेल्प से मेरे जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा मैं उसको अच्छे से आईज के नीचे से क्लीन कर लूंगी। अब मैं अपने फेस पे सिस ब्यूटी का रियल बेस प्राइमर अप्लाई करूंगी, जिससे कि मेरे फेस पे एक थोड़ा सा ग्लो आ जाएगा। चाहे तो फिंगर से भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या नॉर्मल शॉप से भी ले सकते हैं। आपको नायका पर इजली मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं या अमेजोन से भी ले सकते हैं। और गाइस बहुत अच्छा है, जैसे कि आप लोग मैक का स्ट्रॉबेरी क्रीम लगाते हो ये पूरा ऐसे ही वर्क करता है। ये देख सकते हैं कि मेरे फेस पे कितना ग्लो आ गया है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ डर्मा की कॉमिक्लेस पैलेट, ये देख सकते हैं। ये छोटी वाली है, ये आप बड़ी वाली भी ले सकते हैं। ये बहुत थिक प्रोडक्ट है, इसको ब्लेंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको, लेकिन आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि मेरे थोड़ा सा यहाँ पे पिगमेंटेशन हो रही है, ये थोड़े थोड़े से निशान है, यानी कि अनइवन स्किन है। तो जो मेरी जहाँ पे प्रॉब्लम है मैं उन एरियाज पे अपना ये लगाऊंगी ऑरेंज करेक्टर। ये देखिए, ये डर्मा का D34 है, ये देखिए जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम है मैं उस एरिया पे लगा रही हूँ। आप चाहें तो ब्रश की भी हेल्प से लगा सकते हैं। से समर्स का भी मेकअप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सुप्रा की जो हमारी पैलेट होती है उससे आप सर्दी में बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, और वो थोड़ा सा क्रीमी प्रोडक्ट होता है। ये क्या है, ये थोड़ा सा थिक होगा, मेरे फोरहेड पे भी है थोड़ा सा, मैं फोरहेड पे भी अप्लाई। ये वाटर बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, इनसे आप मेकअप बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, आपका मेकअप कहीं नहीं जाने वाला है। और इससे मैं पूरा बेस आपको बना के दिखाऊंगी कि मैंने एक ही पैलेट से पूरा बेस अपना क्रिएट करूंगी, कोई फाउंडेशन भी अलग से नहीं लगाऊंगी। चाहे तो इस कंसीलर ब्रश का भी यूज कर सकते हैं, ये पैक का कंसीलर ब्रश है। मैं आपको एक बार नंबर बता देती हूँ, 073 है नंबर इसका, ये देखिए आपको शो हो रहा होगा, ये देखिए इस तरह से। इससे भी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, आईज वाले जो एरिया है ये देखिए यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड करेंगे और बहुत ईजिली ब्लेंड हो रहा है। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं लूंगी क्रायलोन डर्मा की ही पैलेट से डार्क वाला शेड D5। गाइस ये मेरी स्किन से मैच करेगा, ये मैं यहाँ पर ले रही हूँ D5। अगर आप इसके ऊपर डायरेक्ट ही फाउंडेशन लगा देते तो क्या होता, आपका मेकअप ग्रे हो जाएगा। तो कभी भी डायरेक्ट ना लगाएं, जब ऑरेंज आप लगा लेते हैं तो इसको न्यूट्रलाइज जरूर करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा बेस जो बनेगा वो ब्लैक नहीं पड़ेगा या कुछ टाइम बाद ग्रे नहीं होगा। ब्यूटी ब्लेंडर है, इसको मैंने डैम कर लिया, ये डैम होना चाहिए, इसे पानी नहीं टपकना चाहिए कि कभी पानी निकल रहा है तो क्या होगा, ज्यादा पानी होगा तो आपका बेस सारा चला जाएगा।
थोड़ा सा टाइम लेके आप ब्लेंड करिए, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। जैसे कि लोग बोलते हैं कि डर्मा बिल्कुल ब्लेंड नहीं होता है, बहुत ज्यादा ठीक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप काम अच्छे से करिए, टेक्निक के साथ काम करिए, आपका काम जरूर होगा। गाइस, हम जब ब्राइडल के काम करेंगे या किसी का पार्टी मेकअप करेंगे तो अपने ये ईयर पे भी हो गया, नेक पे होगा, सारा कवर करेंगे। ये क्या होगा, अगर आप कवर नहीं करेंगे तो आपका फेस अलग नजर आएगा और आपकी नेक अलग नजर आएगी। बस कमेंट करके बताइएगा अगली आप वीडियो किस प्रोडक्ट के साथ में आप देखना चाहते हैं, फ्लावर 52 का देखना चाहते हैं या क्रायलोन सुप्रा से ही देखना चाहते हैं, और कौन सा मेकअप देखना चाहेंगे, एंगेजमेंट का देखना चाहते हैं या ब्राइडल देखना चाहते हैं, जो आपको आप बताएंगे मैं उस पर जरूर वर्क करूंगी। ये देखिए गाइस, मेरा अच्छे से ब्लेंड हो गया। ये देखिए, अब अपने हाइलाइटिंग वाली एरिया पे मैं लगाऊंगी D4। ये इतना वैसे मेरे लिए इनफ है, मेरी स्किन टोन से एकदम मैच कर रहा है, मुझे ज्यादा लगाने की कोई प्रोडक्ट जरूरत नहीं। और इसकी आप अगर कवरेज बनाना चाहते हैं तो आप इसी के ऊपर थोड़ा सा फाउंडेशन भी ले सकते हैं। बस यहाँ पे कभी ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे, उससे क्या होगा जैसे कि जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे लाइन आ जाती है, तो कोशिश करें जो ब्लेंडर में प्रोडक्ट है उसी से ही हम ऐसे ब्लेंड कर दें। अब मैं पूरे बेस को अपने अच्छे से सेट करूंगी। ये देखिए, ये डर्मा का ही फिक्सिंग पाउडर है। अब मैं पाउडर सेट करने के लिए ले रही हूँ 245 नंबर ब्रश, पैक का ये ब्रश है। ये देखिए, लोअर लेस पे अपनी अप्लाई करूंगी इसी की नायका की पैलेट से डार्क शेड। लोअर लेस पे लगाने से क्या होता है, आईज थोड़ा सा बड़ी दिखती है। आईब्रो बोन को अपनी हाईलाइट करूंगी सिल्वर शेड के साथ। ये देखिए गाइस, ब्रॉन्जिंग के लिए लूंगी ये सिवाना की पैलेट। गाइस ये पैलेट भी बहुत अच्छी है, इसमें आपको मिल जाते हैं दो ब्लशर मिल जाते हैं, एक ब्रॉन्जर मिल जाता है एंड ये एक हाईलाइटर मिल जाता है। मेरा फेस ऑलरेडी बहुत छोटा है तो मैं ज्यादा नहीं लगाऊंगी, और मैं नोज को भी इसी से कंट्रोल करूंगी अपनी थोड़ा सा। यहाँ पर लिया है पैक का हाइलाइटर। मैं यहाँ पर ले रही हूँ सीज ब्यूटी की पैलेट। देखिए, आईब्रो को डिफाइन करने के लिए मैं ले रही हूँ ये आईब्रो पेंसिल, ये मिस क्लियर की है। सबसे पहले स्पूली की मदद से अपने हेयर को हम ऐसे कर लेंगे जिससे कि सारे ऊपर की तरफ आए। मेबलिन का मस्कारा लिया है, इसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। बस मेबलिन का मस्कारा बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, वाटरप्रूफ भी है। तो गाइज, ये है मेरा फाइनल लुक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।